दोस्तों 2023 15 जुलाई दिन रविवार को श्रावण शिवरात्रि के शुभ अवसर पर नमक का ये महा उपाय करने से राहु दोष, पितृ दोष, मंगल दोष, शनि दोष, यहाँ तक कि काल सर्प दोष भी दूर हो जाते हैं। दोस्तों नमक का ये महा उपाय हम भी अवश्य करते हैं, 100% आप भी धनवान हो जाएंगे। और दोस्तों आप सभी को ये बताना चाहूंगी कि 15 जुलाई दिन शनिवार को पड़ने जा रही सावन की शिवरात्रि के दिन यदि आप एक नमक का उपाय चुपचाप कर लेते हैं तो आप एक महीने के अंदर ही अंदर बन जाओगे करोड़पति। दोस्तों ईश्वर की सौगंध खाकर कहते हैं कि यदि आप धनवान ना हो जाएं तो आप कहना। दोस्तों बता दें नमक का यह उपाय सावन के महीने में आपकी काया पलट कर रख देगा। पुराने समय से नमक का इस्तेमाल किया जाता रहा है। नमक ना केवल हमारे भोजन को स्वादिष्ट बनाता है बल्कि नमक ना जाने कितनी अनगिनत फायदे हमें देता है। और अगर आप इसी नमक का उपाय सावन शिवरात्रि 15 जुलाई को कर लेते हैं तो दोस्तों ये आप लोगों के लिए बहुत कारगर होगा और आपके जीवन में बड़े परिवर्तन दिखाई देने वाले हैं। सबसे पहले हम जानते हैं सावन शिवरात्रि 2023 में क्या तिथि रहेगी। सावन शिवरात्रि के दिन व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में पूर्णतः स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। उसके पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें और दोस्तों आप नए वस्त्र भी पहने शिव मंदिर जाकर शिव जी का जल अभिषेक करें। इसके बाद ही दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल से अभिषेक करें। शिव जी को बेलपत्र, भांग, धतूरा, अशत और फल फूल भी अर्पित करें। शिव मंत्रों का जाप करें, शिव चालीसा का भी पाठ करें, भगवान शिव को भोग लगाएं, उसके पश्चात आरती करें। साल 2023 में श्रावण शिवरात्रि 15 जुलाई 2023 दिन शनिवार को है। पूजा का समय रहेगा रात के 12:07 से 12:48 तक। कुल अवधि रहेगी 41 मिनट की। पारण का समय रहेगा 16 जुलाई 2023 रविवार को सुबह 5:33 से दोपहर 3:54 तक। चतुर्दशी तिथि का आरंभ होगा 15 जुलाई की रात 8:32 पर और समाप्ति होगी 16 जुलाई की रात 10:08 पर। तो दोस्तों तिथि पर ही जो हमने कार्य बताए अवश्य करें और खास ही आपको एक नमक का उपाय तो इस शिवरात्रि पर करना ही करना है। नमक का महा उपाय आपके जीवन में नई उपलब्धियां लेकर आएगा। दोस्तों 99% आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। नमक का हमारे जीवन में जितना महत्व है उससे कहीं ज्यादा ज्योतिष में नमक का महत्व होता है। नमक का जीवन में विभिन्न उपयोग किए जा सकते हैं, चाहे वो फिजिकल हो या फिर अपने ज्योतिष को सुधारने के लिए हो या भोजन में हो। हर प्रकार से नमक हमारे जीवन में उपयुक्त होता है और इसके साथ ही साथ नमक हमारी आयु में भी वृद्धि करता है। दोस्तों याद रखें नमक के कुछ ऐसे उपाय भी होते हैं जो टोने टोटकों में भी किए जाते हैं और वो हमारी उम्र को घटा भी सकते हैं। नमक के बहुत सारे उपाय बताए जाते हैं लेकिन दोस्तों आज हम आपको कुछ ऐसे अद्भुत उपाय बताएंगे जिनको आप जानकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाएंगे। कई प्रकार के नमक होते हैं जैसे कि सेंधा नमक जिसे पहाड़ी नमक भी कहा जाता है, समुद्री नमक, काला नमक, सफेद वाला नॉर्मल नमक, और इस नमक को इस्तेमाल करके अपने घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं। दोस्तों कहते हैं कि अगर कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो तो समुद्री या फिर सामान्य नमक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए बल्कि सेंधा नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों इसे आप रक्तचाप की समस्या से भी यानी कि ब्लड प्रेशर की समस्या से भी बचे रहेंगे। दोस्तों घर के किसी भी कोने में हमेशा शीशे के बर्तन में नमक भरकर आपको रखना चाहिए। किसी भी कोने में आप रख सकते हैं, इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहेगा। जिस तरह से आपके मोबाइल की जो रेंज होती है वह आपके घर में घूमती रहती है, उसी तरह से नमक की किरणें भी आपके घर में घूमकर आपके घर से सारी नकारात्मक शक्तियों को दूर कर देंगी। यदि आपके मन में किसी भी प्रकार के बुरे विचार पैदा हो रहे हो, डर पैदा हो रहा हो तो इसका भी निवारण नमक रखने से किया जाता है। दोस्तों नमक को वैसे हम चंद्रमा और शुक्र का प्रतिनिधि मानते हैं। चंद्र मतलब मन का कारक और शुक्र हुआ लग्जरी का कारक, लेकिन कहीं कहीं पर इसे राहु का प्रतीक भी माना जाता है। दोस्तों और इसीलिए नमक को आपको किस प्रकार रखना चाहिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हम क्या करते हैं कि किसी भी डिब्बे में या फिर मसाले के डब्बे में नमक रख देते हैं।
लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि स्टील के डब्बे में लोहे के बर्तन में नमक नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये चंद्र और शनि का मिलन होता है जो कि बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। दोस्तों आपके घर पर दुर्भाग्य लेकर के भी आ सकता है, रोग और शोक का कारण बन सकता है, इसलिए हमेशा शीशे के प्याले में नमक भरकर आपको घर में रखना चाहिए। बाथरूम में, स्नान घर में भी ऐसे आप नमक अगर शीशे के प्याले में भरकर रखते हैं तो दोस्तों इससे भी आपके घर के वास्तु दोष दूर हो जाते हैं, घर से नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो जाती हैं। और इसके साथ ही साथ वैसे भी शास्त्रीय दृष्टिकोण से भी यदि देखा जाए तो घर में जो सूक्ष्म कीटाणु होते हैं, यानी कि जो आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, उनका नाश हो जाता है। दोस्तों टॉयलेट में कांच के बाउल में क्रिस्टल सॉल्ट यानी कि दरदरा नमक आपको भरकर रखना चाहिए और हर 15 दिन बाद आपको इसे बदल देना चाहिए। पहले वाला जो नमक है वे आप टॉयलेट के सिंक में फ्लश कर सकते हैं, और दोस्तों यदि आप ये नहीं कर सकते हैं तो आजकल रॉक सॉल्ट लैंप भी आते हैं। आप अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि के लिए रॉक सॉल्ट लैंप भी यूज कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन इस बात का ध्यान रखें नमक को सिर्फ कांच के पात्र में रखने पर ये बुरा असर नहीं देता और सीधे सीधे आपको किसी इंसान के हाथ में ये नहीं देना चाहिए। दोस्तों आप कभी भी किसी को नमक यदि परोसते भी हैं तो चमचा लेकर परोसे, उससे आपको थोड़ा सा नमक देना चाहिए और हाथ में नहीं देना चाहिए। यह भी आपका भाग्य आपके चंद्रमा दूसरे को दे देता है। के अंदर डिप्रेशन, नेगेटिविटी और कई तरह की समस्याएं ये पैदा कर सकता है। नमक का पैकेट भी नहीं देना चाहिए। ये नहीं कि नमक का पैकेट है कि चलो दे देते हैं। व्यक्ति को कभी भी हाथ से हाथ में नमक नहीं देना चाहिए। इसे कहते हैं कि मनुष्य के संबंध भी काफी हद तक खराब हो सकते हैं। दोस्तों नमक हमारे घर की सुरक्षा करता है, सिर्फ अंदर नहीं, अगर आप चाहें तो घर के मुख्य द्वार पर भी डेली वाला जो नमक होता है, काला नमक, वह लाल रंग के कपड़े में आपको बांध देना चाहिए। यदि आपके घर पर बहुत सारे शनि दोष लगे हैं, राहु केतु के दोष लगे हैं और आपको ये लगता है कि घर पर किसी ने कुछ किया धरा है, किसी ने बांध दिया है, दोस्तों नकारात्मक शक्तियां घर पर यदि ज्यादा हैं, कहीं कहीं पर भूत प्रेत की बाधा भी, ऐसा कहते हैं कि बुरी शक्तियां होती हैं वे प्रवेश कर जाती हैं, ऐसे में आपको घर के मुख्य द्वार पर काला नमक बांधना चाहिए। लाल कपड़े में बांधकर घर के मुख्य द्वार से इसे लटका कर रखें। आप देखेंगे कि किसी भी प्रकार की बुरी शक्तियां, नकारात्मक शक्तियां यदि हैं तो दोस्तों वह यदि आपके आमने सामने ऐसा घर है जो आपको लगता है कि आपके घर पर नजर डालते रहते हैं तो वो नकारात्मक शक्तियां आपके घर पर प्रवेश नहीं कर पाएंगी। दोस्तों डेली वाला काला नमक तो ऐसे भी धन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, दुकान के मेन गेट पर भी आप इसे टांग सकते हैं, आप तिजोरी के ऊपर भी इसे लटका सकते हैं, इससे भी दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति आपके हाथ लगेगी। दोस्तों नमक को जब आप रखते हैं तो उसमें 4-5 लौंग भी डाल दीजिए। यदि आप धन के लिए यह करना चाहते हैं तो धन की आवक शुरू होने लग जाएगी। घर में पैसे की यदि बरकत नहीं होती है तो पैसे की बरकत भी होने लग जाएगी। नमक खराब नहीं होता है, जल्दी सुगंध बनी रह जाती है और ये घर में धन का प्रभाव लेकर भी आता है। एक और छोटा सा उपाय जो हम आपको बताते हैं कि कांच के ग्लास में पानी और नमक मिलाकर घर के नेतृत्व कोण में रख सकते हैं और उसके पीछे आप लाल रंग का एक बल्ब जला सकते हैं। यदि आप रॉक सॉल्ट लैंप यूज नहीं करना चाहते हैं तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं, और जब भी पानी सूख जाए तो उस ग्लास को साफ करके दोबारा नमक मिलाकर पानी आपको भर देना होगा। जो पुराना नमक बच जाएगा उसको आपको वॉशरूम में फ्लश कर देना होगा। एक बार घर में आपको नमक का पोछा अवश्य लगाना चाहिए। दोस्तों पानी में थोड़ा सा साबुत खड़ा नमक, जो समुद्री नमक कहा जाता है, वह अगर नहीं भी हो तो नॉर्मल नमक भी आप मिला सकते हैं, वह मिला करके आपको पोछा लगाना चाहिए। दोस्तों सिर्फ गुरुवार के दिन आपको यह काम नहीं करना चाहिए, बाकी दिन कीजिए और इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा काफी हद तक नष्ट होने लग जाती है। दोस्तों नमक को वर्षों से प्राचीन काल से बच्चे की नजर उतारने के लिए काम में लिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि एक चुटकी नमक उतारकर पानी में बहा दो
या नमक सात दाने राय के साथ लाल मिर्च लेकर सात नमक की डेली लेकर उसे बच्चे के ऊपर से या फिर जिस भी व्यक्ति के ऊपर आपको लगता है कि किसी ने यदि कुछ किया धराया है या नजर दोष हो गया है, किसी की कुछ बुरी नजर लग गई है, तो सात बार इसको आपको घुमा लेना चाहिए। फिर आपको लकड़ी या फिर गैस के ऊपर इसे जला देना चाहिए। जब भी नजर उतारने के लिए आप बारी फेरी करते हैं तो आपको बाएं हाथ का इस्तेमाल अधिक करना चाहिए। दोस्तों, यदि आप ज्यादा असर चाहते हैं कि जल्दी ही बच्चे की नजर उतर जाए, तो उसको उतारने के लिए आपको बाएं हाथ का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए। एक चीज नजर उतारते समय आपको बहुत ध्यान रखना है कि जब भी किसी की नजर उतार रहे हैं तो एक तो वह अपने से बड़े उम्र का व्यक्ति हो, उसे ही नजर उतारनी चाहिए, और यदि छोटी उम्र का भी है तो उसके अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी सकारात्मकताएं होनी चाहिए। वह भगवान से जुड़ा होना चाहिए, अध्यात्म उसने बहुत ज्यादा हाई लेवल पर होना चाहिए, तभी वह अपने से बड़ी उम्र के लोगों की नजर उतार सकता है। याद रखें, यदि बच्चे को ऐसे भी नजर लग गई है तो आप सूखी लाल मिर्च ले सकते हैं, राई और प्याज के छिलके आप इसके साथ में भी ले सकते हैं, नमक के साथ साथ, और इन सभी चीजों को जो गाय के जलते हुए उपले होते हैं दोस्तों, या फिर जलते हुए जो कोयले होते हैं, गोबर के कंडे या फिर अग्नि पर कहीं पर भी घुमाकर सात बार आप रख सकते हैं, और फिर सभी चीजों को जलता हुआ घर के बाहर फेंक देना चाहिए। जलता हुआ ध्यान रखें कि आपको बहुत सावधानी से कार्य करना है, थोड़ा डेंजरस उपाय है, और आग के बुझने के साथ साथ ही आपके ऊपर की नजर का प्रभाव भी आप देख सकते हैं कि वह धीरे धीरे करके कम होने लग जाएगा। ऐसे यदि आप कुछ भी नहीं कर सक रहे हैं तो आप एक मुट्ठी पिसा हुआ नमक ले लीजिए और अपने सिर के ऊपर से तीन बार उल्टी दिशा में उतार दें और ऐसे ही दरवाजे के बाहर फेंक दें। लेकिन दोस्तों, ये खास वाला उपाय हम कम प्रेफर करते हैं, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि नमक में आग नहीं लगना चाहिए, हमेशा पानी में उसे बहा देना चाहिए या फिर जला देना चाहिए। तीन दिन तक लगातार फिर भी आप चाहें तो इस खास उपाय को आप कर सकते हैं, या फिर बहुत अच्छा होगा कि तीन दिन तक लगातार शौचालय में आप अपने ऊपर से तीन बार वार कर नमक को वॉशरूम में ही फ्लश कर दें। आपके लिए ये सबसे बेस्ट उपाय हो सकता है। हफ्ते में एक बार, खासकर सोमवार के दिन नमक डालकर बच्चों को खासकर नहलाना चाहिए, खासकर एलर्जी संबंधी सारी चीजें समाप्त होती हैं। और दोस्तों, वैसे भी ये साइंटिफिकली काफी अच्छा माना जाता है, एलर्जी संबंधी बीमारियां नहीं होती, और नहीं तो यदि आप डिप्रेशन में ज्यादा हैं, टेंशन बढ़ गई है, नींद बहुत कम आती है, तो दोस्तों आप रात में सोते समय एक चुटकी नमक पानी में मिलाकर हाथ पैर यदि धोते हैं तो इससे भी मन का तनाव दूर होता है, नींद अच्छी आती है। दोस्तों, आप नमक से ये खास उपाय भी कर सकते हैं। मन में खिन्नता, भय और चिंता होने पर दोनों हाथों में साबुत नमक भर के थोड़ी देर आप खड़े रहें, अपने वॉशरूम में ही चले जाएं या फिर किचन में, ये उपाय आप कर सकते हैं। जहां भी वॉश बेसिन है वहां पर दोनों हाथों में मुट्ठी भर के आपको नमक ले लेना है। यदि लाइफ में कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है, आप बहुत हारे हुए महसूस कर रहे हैं, सब कुछ समझ के बाहर है, मन कर रहा है कि जैसे कुछ कर लूं, आज ही कुछ कर लूं, हर तरह से आपको हार महसूस हो रही है, तो एक बार इस उपाय को करके अवश्य देखिएगा। दोनों हाथों में नमक लेकर के मुट्ठी बना लीजिए और ओम ओम आपको 27 बार बोलना है। फिर उस नमक को आप अपने वॉश बेसिन में दोनों हाथों को खोलकर पानी में बहा दीजिए। ध्यान रखें कि इधर उधर नमक को नहीं फेंकना है, इससे मन को बहुत ही शांति मिलेगी व अध्यात्म की ओर भी आपका झुकाव बढ़ेगा, और इसके साथ ही साथ आपको ऐसा भी लगेगा कि जैसे आपका बहुत बड़ा बोझ उस नमक के साथ आपके शरीर से निकलकर पानी में बह चुका है। दोस्तों, यदि आप नमक के जल से स्नान करते हैं तो शरीर काफी हद तक शुद्ध होता है, इसके साथ ही साथ मन की बेचैनी भी शांत हो जाती है। पति और पत्नी किसी भी बात को लेकर अनबन करते हैं, बात बात पर ग्रह कलेश होता है, मानसिक अशांति फैल गई है, तो भी सेंधा नमक या फिर खड़े नमक का एक टुकड़ा आपको अपने बेडरूम में एक कोने में रखना चाहिए। इससे आप दोनों के बीच की नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो जाती हैं। एक महीने तक इसे आप रहने दें, उसके बाद ये टुकड़ा आप फेंक दीजिए।
फिर आप दूसरा टुकड़ा ले सकते हैं। दोस्तों, आप चाहें तो सोते समय अपने सिरहाने भी नमक आप रख सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि हमेशा सिरहाना आपको पूरब में या फिर ईस्ट में रखना चाहिए, या फिर साउथ में, या फिर अपने बेड के साइड में जहाँ पर जगह हो वहाँ पर सेंधा नमक एक कांच की कटोरी में रखिए। तो दोस्तों, नमक बहुत ही अचंभित करने वाली चीज़ है, बहुत ही फायदेमंद चीज़ है। जहाँ भोजन लगता है नमक के बिना, वहीं पर भी जिंदगी बेस्वाद हो जाती है, याद रखिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।